जिंदगी जिंदगी में सफल होना किसे अच्छा नहीं लगता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होने की कोशिश करता है। कभी कभार कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत एक साथ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग सफलता की सीढ़ी चढ़कर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को उम्र भर कोसते और एक सैक्रिफाइस लाइफ जीते ही रह जाते हैं। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी यंग एज में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण उन्हें बुढ़ापे में आकर पछताना पड़ता है और उसके बाद वो अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चार आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना ले तो आप उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जो अक्सर लोग अपनी यंग एज में कर बैठते हैं। तो चलिए आज मैं आपकी अपनी दोस्त आपको उन चार आदतों के बारे में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, हमें हमेशा अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? हम चाहें तो किसी और को भी तो फॉलो कर सकते हैं। इस दुनिया में इतने सफल लोग हैं जिनकी कहानियाँ बहुत इंस्पिरेशनल हैं, हम उनके रास्तों को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमें हमेशा किसी अपने ही रास्ते को फॉलो करना चाहिए, किसी के भी रास्ते को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा है क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ आपको सलाह देंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने वाले लोग तो हमेशा अच्छे हैं ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सलाह देने वाले लोग बुरे हैं। बहुत से लोग हैं जो सलाह देते हैं लेकिन वो आपकी बुराई के लिए होती है, और बहुत से लोग सलाह देते हैं जो आपकी अच्छाई के लिए होती हैं। सलाहें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। सिर्फ उन्हीं सलाहों को मानिए जिन पर आपका मन मानता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ये सलाह अच्छी नहीं लगी तो उसे कभी मत मानिए, एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। दूसरा, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने देखा कि एक रास्ते पर सभी जा रहे हैं और पूरी भीड़ उसी के पीछे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उसी रास्ते पर चलना है, उसी भीड़ में शामिल होना है। ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि जिस रास्ते पर वो भीड़ जा रही है वो रास्ता सही है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि उसका दूसरा रास्ता जिस पर कोई भी नहीं चल रहा लेकिन सही वाला रास्ता वो है, तो उस पर अकेले चलने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, फिर आप चाहे अकेले चलें या फिर भीड़ में चलें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है क्या और ये ज़रूरी क्यों होती है? दरअसल इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत से चार्जेस होते हैं जिनको देखते ही बहुत से लोग डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट पर होल्ड ऑन कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हमारे फ्यूचर में बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप अपनी इसी एज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं तो आगे जाकर वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा देती है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं हो सकता। तीसरा, यूज़लेस चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब जिन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, जो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी एंटरटेनमेंट को ख़त्म कर दो, इसका मतलब ये है कि अपने समय को बर्बाद करने वाली चीज़ों को अपने से दूर कर दो, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि वो यूज़लेस चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हमें तब इस बात का एहसास होता है कि हम तो सिर्फ अपना समय बर्बाद ही कर रहे थे, उस चीज़ ने तो हमारा कोई फ़ायदा किया ही नहीं। लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बाद में जो हो चुका उसको कोई सही तो नहीं कर सकता, इसलिए इन चीज़ों को हमेशा हमें पहले से ही अवॉइड करना चाहिए। चौथा और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये चौथा पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, इस चौथे पॉइंट को फॉलो करने से पहले आप पहले तीन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पहली तीन आदतों को नहीं अपनाएंगे तब तक ये चौथी आदत आपके लिए, चौथी आदत टेक अ रिस्क, यानी कि और ख़ास करके इस उम्र में रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक मुहावरा भी तो है,
that if you can't take a single risk, you are risking your whole life. मतलब अगर आप खास करके अपनी इस उम्र में एक रिस्क भी नहीं ले सकते, इसका मतलब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को रिस्क पर डाल दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। क्योंकि इस उम्र में रिस्क लेंगे तो कुछ गंवाएंगे तो नहीं आप, क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, आपको किसी भी परिवार को संभालना नहीं, किसी के लिए पैसे नहीं कमाने हैं और ना ही खुद के लिए पैसे कमाने हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेंगे तो उसमें कुछ गंवाएंगे नहीं, और अगर उस रिस्क से गलती से आपको फ़ायदा हो गया या फिर उस रिस्क का आउटकम अच्छा आ गया तो जाने वो रिस्क आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। इसलिए इस उम्र में रिस्क लेने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे जाकर तो आप रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि तब आपको अपने परिवार को भी संभालना है, पैसे भी कमाने हैं और जाने ज़िंदगी की और जीवन की कितनी चीज़ों का बोझ आपके ऊपर होता है। तब हर इंसान रिस्क लेने से डर जाता है, क्योंकि उसे यही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर ये रिस्क मेरे लिए बुरा बन गया तो मैं क्या गवा बैठूँगा, जाने कौन ही जाने। लेकिन इस उम्र में तो आप क्या ही गवाएंगे, इसलिए रिस्क लेना चाहिए और ख़ास करके इस उम्र में तो लेना ही चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये 4 आदतें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।